हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। इनमें यू क्या होता है, वी क्या होता है, एस क्या होता है, टी क्या होता है, वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या इनिशियल स्पीड कह देते हैं अभी एक बार। वी क्या होता है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, बेटर टर्म है वेलोसिटी एक्चुअली, बट ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। एंड ए है एक्सेलरेशन, एंड टी इज फॉर टाइम, टी इज फॉर टाइम, एंड एस टेल्स एस डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, जो भी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये तीन चीजें, तीन इक्वेशन होती हैं, और उसमें ये जो भी सारी चीजें हैं ये वो सारी टर्मिनोलॉजी है, इसका क्या मीनिंग है। ये मैंने अभी आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ बताई, आप लोग भी जानते हैं। मेनली इसमें सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरी होती नहीं है ज़्यादा, तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। हमें सिंपल सा देखना है कि क्या गिवन है डेटा और क्या पूछा गया है, उसके बेसिस पे हम चूज़ करेंगे कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं। सिंपल सी बात यह है, जो डेटा गिवन है उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई बोले कि ये एक कार है ना, स्पेशल कार है अपनी, ये कार आपको बोला जाए सवाल में, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्ड a distance of 20 meter in 5 seconds. Rest से start हुई और 5 seconds में 20 meter उसने distance cover कर ली, तो आपको बताना है कि what is the acceleration of car. कि कार का एक्सीलरेशन कितना है, बस ये हमें जानना है। सवाल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं 9th 10th में, एकदम सिंपल सा सवाल है, यही सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ घुमाते फिराते हैं नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको गिवन क्या क्या है, हम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। गिवन क्या है हमें, हमें बोला गया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, सोचो जरा कितनी होगी। रेस्ट पे है मतलब रुका हुआ है, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 meter per second, 0 हो गया, गिवन है डेटा। फिर क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 20 meter, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। और क्या गिवन है आपको, 5 seconds, कितना टाइम, 5 seconds, टी इक्वल टू 5 seconds। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो बस ये तीन चीजें गिवन हैं और ये आपसे पूछी गई है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन होगी। देखो जरा, जिसमें यू भी आ रहा हो, एस भी आ रहा हो, टी भी आ रहा हो और ए भी आ रहा हो, देखो कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है। देखो इसमें तो एस आ ही नहीं रहा, तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, ये और ये, इसमें भी एस आ रहा है और इसमें भी एस आ रहा है। S और U और T और A चारों चीजें इसी इक्वेशन में आ रही हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन यहां पे यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम यहां पे यूज करेंगे और सबको सॉल्व कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में डेटा पुट करेंगे, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया, 20, इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है, 0,
मल्टीप्लाइड विद टाइम कितना भी हो जीरो होता है हम जानते हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन कितना है हमें पता नहीं है, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 seconds, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर. तो ये टर्म तो हो गई जीरो. 20 इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 a by 2. 5 से इसको कट किया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया. 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 4 इक्वल टू 8, और इधर 5a है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 8/5 meter per second square. 8/5 meter per second square. आई फील सबको समझ में आ गया होगा कैसे सवाल में इंफॉर्मेशन यूज करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर कैसे सॉल्व करना है. सिंपल सा ये प्रोसेस है. क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो नेक्स्ट सम हम इस पे देखेंगे दूसरा एक और, है ना. नेक्स्ट सम और देखेंगे इस पे एक और और वैरायटी देख सकते हैं हम लोग इसमें. तो वैरायटी क्या क्या हो सकती है? बहुत वैरायटी हो सकती है. इन तीन इक्वेशन को देख के बहुत वैरायटी हो सकती है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, मतलब इतनी सारी वैरायटी होती है. डेली लाइफ की चीज़ें, कोई इधर भाग रहा है 5 meter per second से, कोई उधर भाग रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं इसमें. ठीक है, एक ये वैरायटी हमने देखी, सारी टर्मिनोलॉजी देख ली. चलो तो दूसरी चीज़ देखते हैं कि थोड़े और अच्छे सवाल देखते हैं, थोड़ा अपना ब्रेन ओपन करके देखते हैं क्या हम ऐसी चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं क्या. चलो तो नेक्स्ट सवाल मैं आपको बोलता हूँ वो क्या हो सकता है. नेक्स्ट सवाल ये है, तो जो ये हमारे कैमरा वाले भाई साहब हैं वो यहाँ पे खड़े हैं. क्या नाम है सर आपका? संदीप. तो इनका नाम है संदीप, ठीक है, इनका नाम है संदीप, और इन्हें यहाँ पे खड़े हैं, अपने फ़ोन में ध्यान है उनका, लेकिन उन्हें कहीं जाना था. ठीक है, वो अपने फ़ोन में ध्यान दे रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, बट उन्हें कहीं जाना था और वो बस का वेट कर रहे हैं. बस आई और उन्हें छोड़ के निकल ली, बस आई और उन्हें छोड़ के निकल ली. जब बस उनसे, संदीप जी से 20 मीटर की डिस्टेंस पे चली गई, जब बस उनसे 20 मीटर की डिस्टेंस पे चली गई, तो उन्हें होश आया कि भाई बस तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं. तो उन्होंने देखा कि उस टाइम पे बस जा रही है, स्पीड ऑफ बस है 5 meter per second. स्पीड ऑफ बस कितनी है? 5 meter per second. और संदीप जी ने देखा उस टाइम पे बस उनसे 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो संदीप जी क्या करेंगे? संदीप जी भागे बस के पीछे कि मुझे तो बस पकड़नी है. और संदीप जी बस के पीछे भागे तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भागे, और उनका कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, कितना था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लेते हैं हम 2 meter per second square. 2 meter per second square उनका एक्सेलरेशन था, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बस के पीछे भागे. तो अब आप लोग बताओ कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद में, कितने समय के बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम संदीप विल कैच द बस, संदीप विल कैच द बस. रियल लाइफ सिचुएशन है, थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, लेके आया हूं मैं चीजों को. हमें ये चीज फील करनी चाहिए, समझनी चाहिए, कॉमन सेंस के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल सी चीज समझ सकते हैं. कैसे समझेंगे? चलो आओ देखते हैं इस सवाल को. कैसे करोगे भाई? सिंपल सी बात है. इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं. फिजिक्स जब भी सॉल्व करते हैं, जितने डायग्राम बनाओगे, जितना लिखोगे, उतना आसान होगा सॉल्व करने के लिए. एकदम सिंपल सी बात है ना. तो संदीप यहां पे थे और ये बस यहां पे थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? इनिशियली 20 मीटर. संदीप चुपचाप खड़े थे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो. बस की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो चल रही है एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से. कितने से? 5 meter per second से. तो जब संदीप बस को पकड़ेंगे
तो क्या होगा उस टाइम पे, जहां पे बस होगी क्या वहीं पे संदीप भी होंगे? भाई बस को पकड़ लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉमन सेंस कि दोनों सेम टाइम पे सेम पोजीशन में है, यही तो मतलब हुआ। तो मान लेते हैं हम, लेट अस अज्यूम कि बस ने उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बस ने अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो संदीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो 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 कितना किया, कितना किया, डी प्लस 20 किया कि नहीं किया? डी प्लस 20 किया, सिंपल सी बात है, सेम टाइम में। तो बस को अगर यहां पे आने में कितना टाइम लगा? टी लगा। तो कॉमन सेंस से आप भी बता सकते हो कि संदीप को यहां आने में भी कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। लगा कि नहीं लगा? अब हम क्या करेंगे, बस की इक्वेशन लिखेंगे कि बस कितनी देर में यहां पे पहुंची, एक संदीप की इक्वेशन लगेंगे कि संदीप यहां पे कितनी देर में पहुंचे, और फिर उसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कॉमन सेंस से समझ में आया? विजुलाइज कर पाए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं ये? अगर फिजिक्स को हम देख पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे, तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ में आया क्या कि क्या हो रहा है? समझा सभी लोगों को? चलो अब सॉल्व करते हैं। तो बस तो कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। जब चीज़ें कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हर कोई बच्चा जानता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बस की वजह से, स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना माना हमने t, तो d हो जाएगा 5t। ये बस की वजह से एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। संदीप क्या कर रहे हैं? एक्सिलरेट कर रहे हैं। एक्सिलरेट कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है हमारे पास में? u गिवन है, डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम है ना, और क्या है हमारे पास में? संदीप का एक्सेलरेशन है a। तो कौन कौन सी चीजें हैं? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम। कौन सी इक्वेशन लगती है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करोगे। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया संदीप ने? डी प्लस 20। डी प्लस 20 इक्वल टू यूटी। इनिशियली संदीप क्या थे? रेस्ट पे थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जीरो को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? जीरो प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है संदीप का? 2 m/s² 2 इंटू कितना हुआ, मल्टीप्लाइड कितना हुआ? टी स्क्वायर। टी तो पता ही नहीं है, टी स्क्वायर हो गया। 2 ने 2 को काट डाला, ये जीरो खत्म हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई? डी प्लस 20 इक्वल टू टी स्क्वायर। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास में डी। अब इन दो इक्वेशन को, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो हम किसे एलिमिनेट करेंगे? पहले डी को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टी चाहिए। तो किसे एलिमिनेट करेंगे हम? किसे एलिमिनेट करेंगे हम? डी को एलिमिनेट करेंगे। चलो मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं, क्योंकि जगह नहीं बची है मेरे पास में, है ना। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ इधर। सो डी की वैल्यू कितनी है? 5t है। तो इस 5t को मैं यहां डी की जगह पर रख दूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 5t प्लस 20 प्लस टी स्क्वायर। 5t प्लस 20 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, टी स्क्वायर 5t टी स्क्वायर की तरफ आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 20 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर जीरो है तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे फिर से। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 5 है। और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 20। इससे कंपेयर कर लो, t स्क्वायर के साथ में 1 है, x के साथ में c यहाँ पे है, तो हमें मिल गया। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b। तो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सोचना ही नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा?
25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 20। तो नंबर थोड़े खतरनाक हो गए, डरावने से हो गए, अपॉन 2a। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस होंगे, 4 इंटू 20 80 होंगे अपॉन 2a, a की जगह पे कितना है 1 है, तो यहां पे 2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 105 अपॉन 2। अब हमें पता है कि 105 जो है, अंडर रूट 105 वो 5 से बड़ा होता है और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 5 प्लस अंडर रूट 105 बाई 2। दिस विल बी दी आंसर। इतने सेकंड्स के बाद में संदीप उस बस में बैठे होंगे। क्लियर? इतना सोचना है। इंपॉर्टेंट क्या था, इक्वेशन सॉल्व करना बाद में आसान हो जाता है, नंबर्स थोड़े सिंपल होते हैं, है ना। हमें ये विजुलाइज करना आना चाहिए, अगर हमें फिजिक्स सीखनी है तो ये विजुलाइजेशन मैं आपको दिखा रहा था, एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस के साथ हम इसे कर सकते हैं रियल लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम देखते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है कि नहीं, है ना। चलो तो सभी लोगों ने देख लिया, ठीक है, तो यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।